जय सियाराम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। और ये जो सीरीज चल रही है सर्जुपारिण ब्राह्मण वंशावली का, इसमें जो आज की वीडियो है वो सावर्णी गोत्र के ऊपर है, या सावर्णी गोत्र भी इसको कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अपने नाम के आगे आप सावर्णी गोत्र लिखते हैं तो आपका वेद सामवेद होगा, उपवेद गंधर्व होगा, शिखा आपकी वाम होगी, शाखा कौथुमी होगी आपकी, और जो पाद है यानी जो चरण है आपका पूजनीय वो बायां होगा, वाम होगा, और देवता आपके विष्णु होंगे, और सूत्र जो है वो गोभिल होगा आपका, और प्रवर पंच प्रवर, अगर आपसे कोई प्रवर पूछता है तो पंच प्रवर होगा, पांच प्रवर आपका है, और अगर प्रवरकार ऋषियों के बारे में कोई पूछे तो भार्गव, च्यावन, आपनवान, औरव और सावर्ण्य या जामदग्न, इनको आप अपना प्रवरकार ऋषि बता सकते हैं। इसी को सावर्णी गोत्र भी कहते हैं, इसी को सावर्ण गोत्र भी कहते हैं। और इस गोत्र में जो ना मुख्यतः पांडे लोग ही प्राप्त होते हैं। इटार पांडे आप सुनते होंगे, वो इसी वंश के हैं, इसी गोत्र के होते हैं। कई कई जगह पर सावर्ण गोत्र में अपभ्रंश है, मतलब भ्रामकताएँ हैं, एक जगह से उठ करके अगर वो कई गोत्रों में ऐसा मिलता है तो इसके लिए तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ क्या होगा, सावर्ण गोत्र है और बताएंगे मैं मिश्रा हूँ, फिर कोई कहेगा कि मैं तिवारी हूँ, तो ऐसा एक समय दौर निकला उसमें लोग बदल गए, हेर फेर हुआ, इधर से उधर, उधर से उधर हुआ, लेकिन फिलहाल ये लोग पाए जाते हैं। कुछ इसमें जो है ना सावर्ण गोत्र में मिश्र भी पाए जाते हैं, जिनका सिसैया मुख्य स्थान है और इनकी पंक्ति मिश्रों की नहीं है। अब पांडे लोगों का जो मुख्य स्थान है उसको भी जान लीजिए, जो मूल निवास है पांडे लोगों का वो भी आप सुन लीजिए, इटार, रईकहट, पट्टी दिलीपपुर यहाँ पड़ता है, क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ में, फिर बंसीधर का पुरवा, मझगवा, चारपानी, लहसरी, साहूकोल, भस्मा, टिगरा, सखरुआ, अमलीडीह, बारघाट, भट्टाचारी, ज्वरवा, भरोसा के पटक पांडे, ये पांडे लोगों के हैं मुख्य स्थान। और इन्हीं के कुछ अन्य वंशज भी हुए हैं, उनको भी सुन लीजिए, एकौना, ककेड़ा, अष्टकपाल, कोनी, कोड़ा, चमरूपट्टी, जामडीह, पिछौरा और जुरवा, और टुमकेकारी, नरहरिया, सिसई, बधवा, सरया और म्यूरहा, ये इतने पूरे पांडे लोग प्राप्त होते हैं सावर्ण गोत्र में। तो ये इतनी ही जानकारी सावर्ण गोत्र के बारे में फिलहाल अभी प्राप्त होती, आगे और जो मिलती है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना के आपके सम्मुख करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। तो ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, यदि तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना विचार जरूर लिख दीजिएगा, या कोई प्रश्न हो तो वो जरूर लिखिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सियाराम।